हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में। एक बार फिर से जो मैच हम कवर करने जा रहे हैं, कल का बिग बैश का मैच होगा स्कॉचर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हिट्स का। तो ये वाले मैच की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ये वाले तो इसकी आप देख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे करके इस मैच के बारे में। इससे पहले कि आप चैनल में नए नए आए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर फ्री चैनल है। 1000 से प्लस सब्सक्राइबर है इसमें, और स्क्रीन पे आपको उसका नाम दिख भी रहा होगा। प्लस आपको कमेंट में वीडियो के इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो ड्रीम इलेवन डॉक्टर बिना गैप दिए, और 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर है वो वाला चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो ये कि सब हमारे मेंबर ने कल रात को ही ग्रैंडलिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और एक आधे प्लेयर की वजह से ही थोड़ा इधर उधर हो गया, नहीं तो किंग की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया, नहीं तो ग्रैंड लीग पक्की थी। तो रेगुलर हम बहुत अच्छी ग्रैंडलिंग का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये हमारा वैसे पेड ग्रुप का मेंबर है। तो ये है कि तो ये क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम, हाँ, तो वीडियो पूरा देखने के बहुत फ़ायदे होते हैं। रैंक वगैरह आपकी ग्रैंडलिंग का बहुत अच्छी आती है, और आप अच्छा अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको लास्ट में अपडेट सारी सबको यहीं मिलेगी। और इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बताऊंगा कौन से ऐप में कहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, सब आपको बदल जाएगा जैसे मैं इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ पैटर्न फॉलो करते हुए। तो बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की। तो मिचेल मार्श है, आपको पता है कैसा प्लेयर है, ये इंटरनेशनल खेल चुका है ये, तो प्लस बॉलिंग करता है, और अपनी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर अभी यही है पर्थ स्कॉचर्स का। स्मॉल लीग में तो मिस नहीं करते, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बनता है हमारी। जाय रिचर्डसन मुझे बहुत अच्छा बॉलर लगता है ये, मतलब ये बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। इसने परसों एक मैच में 13 बॉल पे 14 बॉल पे 31-30 रन मारे थे, 37 रन ऐसे कुछ मारे थे शायद, इसने छक्के मारे थे 3-4। तो बहुत अच्छा प्लेयर है, प्लस बॉलिंग में भी विकेट दे जाता है ये, मतलब विकेट तो लेता ही लेता है प्लस, और बैटिंग में भी रन मार जाता है, बैटिंग अच्छी आती। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग के देखते हुए। जोल पैरिस ये है, ये ग्रैंड लीग का प्लेयर है, ये भी फास्ट बॉलिंग करता है, प्लस आपको एक सरप्राइज करके ग्रैंड लीग में अगर स्पेशल अगर 2-3 विकेट जाता है आपको ग्रैंड लीग जितवा सकता है अगर खेलता है तो। यहाँ पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट को पता ही है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच में ओपन कर चुका है इंटरनेशनल में, तो एक क्लासिक प्लेयर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, हर 3 मैच में 2 मैच में 40+ रन मारता ही मारता है। तो इतना क्लासिक प्लेयर है तो उसको स्मॉल लीग में हम छोड़ ही सकते। लैम गुर्सी को इतना इंपॉर्टेंस मत देना। लिविंगस्टन ओपन कर रहा है, प्लस पार्ट टाइम 1-2 ओवर और विकेट ले जाता है, प्लस ओपनिंग कर रहा है, तो बहुत अच्छी पिक है हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की स्मॉल लीग में छोड़ी है इस बंदे को। सैम विटमैन को आप जानते नहीं है, पिछले साल ये शायद विकेट कीपिंग करता था ये, और कभी एक आधा मैच छोड़ के कंटिन्यूस रेगुलर कभी नहीं खेला ये, पर एक मैच में खेला था पिछले साल, इसने 60-70 रन मारे थे जब इनकी टीम पूरी फ्लॉप हो रही थी, तो अकेले रन मारे थे। तो ये ऐसा प्लेयर है जो आपको ग्रैंड लीग में जितवा सकता है अगर खेलता है तो। मैथ कैली पिट रहा है बहुत ज़्यादा, पर इसे ऑस्ट्रेलिया में यॉर्कर किंग कहते हैं, मतलब डेथ में बॉलिंग करता है और यॉर्कर डालता है, 2-3 विकेट ले जाता है, बट अभी 2 मैच से बहुत पिटाई हो रही है इस बंदे की। सो यार मैसेज मत करा कर, चलो ठीक है। सैम विटमैन, कैमरन बैन का मैं बता रहा था सैम विटमैन के बारे में। सैम विटमैन एक बहुत अच्छा, मतलब पिछले सीजन बहुत अच्छा चला था, कैली का बता रहा था मैं, हाँ। तो कैली डेथ बॉलिंग में अच्छी विकेट ले जाता है, ग्रैंड लीग में आप इसको ले सकते हो। कई बार ऐसा करा है कि एक मैच में आप 3-4 विकेट लेकर सिंगापुर से जो खेलता है, कंसिस्टेंट बहुत अच्छा प्लेयर है, इसने लगातार 50+ रन मारे सिंगापुर की तरफ से, और इसने डोमेस्टिक भी बहुत रन मारे हैं। तो इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, पिछले मैच में इसने एक छक्के होके अच्छे मारे थे। कैमरन ग्रीन एक मैच में अच्छा चला था ये, 1-2 मैच में अच्छा खेला बैटिंग से करते हुए, तो ग्रैंड लीग में लेना स्मॉल लीग की पिक नहीं। जॉर्डन को आप ग्रैंड लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, क्रिस जॉर्डन ऐसा प्लेयर है, आपको सबको पता है इंग्लैंड का प्लेयर है, इंटरनेशनल खेल चुका है, तो इस प्लेयर के बारे में सबको पता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लस बैटिंग भी अच्छी करता है। फवाद अहमद कंटिन्यूस विकेट 1-2 विकेट लेके जा रहा है, तो इसको हम स्मॉल लीग में लेके चलेंगे। जॉश इंग्लिश ओपन कर रहा है, प्लस विकेट कीपर है, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट दे रहा है हर मैच में, इसको स्मॉल लीग में नहीं छोड़ना है। चलो कमेंट कर बता देना कि कौन सा बॉलर है ये, प्लेयर कौन सा है ये, कमेंट बता देना वीडियो के। चलो हम करते हैं बात। तो अब बात निकल के आती है ब्रिस्बेन हिट्स की। एबी डिविलियर्स आज भी नहीं खेल रहा है, पहुंच तो गया है पर वो खेल क्यों नहीं रहा ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्रिस लिन तो आपको पता है कौन रहा है, क्या कर रहा है आजकल, हर
तीन मैच, दो मैच में से एक मैच में अच्छी इनिंग खेल ही रहा है ये, पिछला जो रन आउट हो गया था, नहीं तो अच्छी इनिंग खेलता है, तो एक अच्छा प्लेयर है। प्लस क्या स्मॉल लीग में तो आप छोड़ ही नहीं सकते इसे, बंदा इधर हरवा देगा अगर ये 50 रन मार जाए तो। टॉम बेंटन को मैंने एक मैच में कैप्टन बनाया था, जिसमें परसों जो बारिश की वजह से छोटा मैच हुआ था, कैप्टन वाइस कैप्टन किया था। सैम्स को ग्रैंड लीग में इतनी अच्छी रैंक आई थी, इतना क्लोज गए थे, बस एक आधे प्लेयर की वजह से हम फिर ग्रैंड लीग से पास रह गए हल्का सा, नहीं तो 4-5 लाख रुपये हमारे मेंबर को, जो मेंबर को मिल जाते हैं। और मैक्स ब्रायंट को तो जानते ही हो, फिर थोड़ा बहुत अब पहचान गए होंगे जब से खेल रहे हो। तो मैक्स ब्रायंट जो है, ये है कि ये कंटिन्यूस अच्छा नहीं खेलता, मतलब सहवाग की तरह खेलता है, 10 मैच में 5 मैच में अच्छा खेलता है, 5 मैच में फ्लॉप होता है, मतलब उड़ा उड़ा के खेलता है, 10 बॉल पे 30 रन, ऐसे इनिंग खेलता है ये, रुक के नहीं खेलता, जल्दी जल्दी खेलता है। और पिछले मैच बहुत अच्छी इनिंग खेली इसने। जॉब इंस क्या, पार्ट टाइम बॉलिंग करता है प्लस बैटिंग करता है। ऑस्ट्रेलिया का तभी ओपनिंग कर रहा था वार्नर के साथ टेस्ट मैच में, तो इंटरनेशनल प्लेयर तो एक अच्छी पिक बन जाता है ये। और ग्रैंड लीग में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो रिस्क लेके। थोड़ा कटिंग ने पिछले मैच में क्या दिखा दिया, उसने बता दिया कि मैं कौन हूँ, फॉर्म में आ गया है, बैटिंग प्लस बॉलिंग से दोनों से परफॉर्मेंस दी, और प्लस हमारी टीम में भी था तो कई लोग लेके ही नहीं आए थे कि इसकी परफॉर्मेंस की ये चल नहीं रहा है, तो हमने लिया था तो हम जिताए इसने। और जॉश लेलर की बात करें तो ये बंदा क्या कहते हैं, कंटिन्यूस मतलब ये डेथ में बॉलिंग करता है, और स्टार्टिंग में थोड़ी बॉलिंग करता है, विकेट ले गया था 2-3, तो ये हमेशा हमें पॉइंट अच्छा दिला जाता है। प्लस उसका ऐसा प्लेयर है कि ग्रैंड लीग में से कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। और बैन लॉगलिन के बारे में बताऊँ तो बैन लॉगलिन हाइस्ट विकेट टेकर अभी तक का, ये बिग बैश में जितने भी आज तक 8-9 बिग बैश के लीग टूर्नामेंट्स में, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो इसको ग्रैंड लीग और प्लस स्मॉल लीग दोनों की पिक है। तो यहाँ पे जिमी पियर्सन की बात करें, जिमी पियर्सन एक विकेट कीपर है, पिछले साल तक इनका कैप्टन हुआ करता जब लिन नहीं खेलता था कभी कभी बीच में, तो इसको आप ले सकते हो टीम में अपनी ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में नहीं। प्रेस्ट विज ने लास्ट 2 मैच में 2-2 विकेट लिया डेथ में बॉलिंग डाल के, पर इसको स्मॉल लीग की पिक नहीं है, ग्रैंड लीग में ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। और यहाँ पे मैथ्यू रेंशो को आप स्मॉल लीग में जरूर लेना, प्लस ग्रैंड लीग दोनों की पिक है, प्लस बॉलिंग में आपको विकेट देके जा रहा है, प्लस बैटिंग में भी अच्छी खेल के जा रहा है, तो इसे कैप्टन भी कर सकते हो। ले रही है पैटिंग करना, टेस्ट मैच खेल रहा था न्यूजीलैंड के साथ, वापस आया है, तो इस बंदे को आप स्मॉल लीग में मतलब छोड़ नहीं सकते, बहुत अच्छा प्लेयर है, प्लस ये जो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। मिचेल स्टेपसन ये भी स्पिनर है, प्लस बैटिंग अच्छी कर लेता है, फायदा मिलता है, थोड़ा विकेट मिल जाता है, थोड़ा बीच में मिस्ट्री स्पिनर है, एक आधी विकेट अच्छी आती ले रहा है, तो दिक्कत दे जाते कई बार ये, तो ग्रेट नहीं होंगे तो इसको हम जरूर लेंगे टीम में, तो हमारे टीम बनाने पे। तो टीम बनाते हैं फटाफट से एक, तो फाइनल टीम होगी टेलीग्राम पे मिलेगी, अभी ये टेम्प्रेरी टीम होगी। बेंटन, इंग्लिश, मार्श, कटिंग, रेंशो, लेन, पेनक्रॉफ्ट, लिविंगस्टन, आप चाहो तो ब्रायंट या बर्न्स ले सकते हो। बर्न्स को जब ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, ब्रायंट को भी स्मॉल लीग में ट्राई, ग्रैंड लीग दोनों की पिक है ये भी। लॉगलिन, जॉर्डन, मैंने कहा था ना क्रेडिट की दिक्कत आएगी, तो हम जहीर खान को लेंगे, वही हुआ। आप रिचर्डसन को ले सकते हो, कैली, फवाद अहमद, या तो आप ऐसा कर सकते हो इन दोनों को हटा के रिचर्डसन और फवाद को ले सकते हो। तो ये कुछ पिक बन, ये कुछ आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो टेम्परेरी टीम हमारी फ़िलहाल ये होगी, अभी इसे हम कैप्टन करेंगे लिन को, वाइस कैप्टन करना चाहेंगे बेंटन को कर लो या फिर लिविंगस्टन को। लिविंगस्टन का क्या फ़ायदा कि बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग भी कर रहा है, या रेंचो कर लो, या अभी हम लिविंगस्टन के साथ जा रहे हैं। तो अभी मैं एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ टीम का। तो ये टीम का प्रीव्यू, यहाँ पे आपका कैप्टन, ये कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस 2, इसको ग्रैंड लीग में, ये स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की, ये स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की, ये स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की, ये 7 प्लेयर के साथ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन खेलने हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ये, इसको ग्रैंड लीग में इसकी मिल सकते हो बैनक्रॉफ्ट को, बट ये 5-6 जो बंदे हैं इनके साथ आपको, 5 बंदों के साथ, 6 बंदों के साथ आपको कैप्टन। और जॉर्डन सबसे इम्पॉर्टेंट याद कर लो, अगर आपको थोड़ी रिस्की टीम बना के कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहते हो तो जॉर्डन कर लो। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब बताता हूँ आपको कौन सा ऐप इन्वेस्टमेंट करनी है, ये है माई 5-11 ऐप। आज अभी रिसेंट बहुत
क्लासिक सबसे हटके जो ऐप चल रही है, सबसे हटके जो मतलब कंपटीशन दे रही है वो है ये माई 511 ऐप। इसकी सबसे खास बात यह है यहाँ पे एंट्री फीस कम है, प्लस यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की फैंटेसी खेलने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे डिट्टो कॉपी है, मतलब पॉइंट सिस्टम सेम है ड्रीम इलेवन के जैसा, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो। प्लस यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉ मिल जाता है आपको 10 सेकंड के अंदर, और आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं यहाँ पे। आपको बोनस मिल रहा है, देखो जैसे अभी ऊपर चल रहा है ऑफर चल रहा है, 10,000 ऐड करोगे 5,000 और बोनस मिल जाएगा। तो यही बात है इस ऐप की खास बात है जो सबसे अलग हो जाती है। यहाँ पे क्या आप नॉर्मल भी खेल सकते हो, यहाँ पे सबसे एंट्री फीस ज़्यादा, एंट्री फीस सबसे कम है यहाँ पे। तो ड्रीम इलेवन 5750 लेता है, यहाँ ये 5280 रुपये ले रहा है, तो यहाँ 500 रुपये का फ़ायदा आपका बैठे बैठे हो रहा है। प्लस आपको हर लीग में 5% बोनस होता है, जो आपको बोनस डिपोजिट करके मिलेगा, यहाँ बोनस यूज़ कर सकते हो आप 5% सब लीग में, सब 5 5 5 5 5 हर लीग में, 5% बोनस यूज़ हो रहा है यहाँ। अरे यार यहाँ देख लो 5 5 5, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इस ऐप में खेलने का। अपन आपको अगर थोड़ा अलग खेलना है तो यहाँ पे आप पाँच बैट्समैन के साथ खेल सकते हो। क्लासिक क्या होता है जो ड्रीम इलेवन और सारी ऐप में सेम है 11 प्लेयर के साथ, पर बैटिंग में क्या है कि 5 बैट्समैन ले सकते हो और बॉलिंग में क्या 5 बॉलर ले सकते हो। बैट्समैन में थोड़ी क्रिकेट की दिक्कत आ जाती है, पर बॉलिंग में कभी दिक्कत नहीं आती, 5 बॉलर के साथ आप जा सकते हो। तो इस थोड़ा डिफरेंट खेलने को मिल जाता है, जिसमें लोगों का ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, सबको आदत पड़ी हुई है 11 11 प्लेयर खेलने की। तो आप यहाँ पे भी कमेंट करके बताना अगर आपको इसकी टीम चाहिए वाई फाई इलेवन की, तो मैं इसकी टीम प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपको। ऑलराउंडर में जैसे आप ये वुमेन का मैच है, इसमें हम ले लेते हैं 5, जैसे आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, कोई और मैच दिखाता हूँ, ये वुमेन के मैच का आपके प्लेयर के नाम पता भी नहीं होंगे सही से। तो इसकी अगर आपको टीम मतलब ये बॉलिंग की टीम चाहिए तो मैं आपको कमेंट में बता देना यूट्यूब के, जो मैं आपको इसकी टीम प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे ये देख लो बॉलिंग में गए, देख लो यहाँ पे क्रिएट करो टीम को, कौन है यहाँ पे, कौन खेल रहा, मैरिज नहीं खेल रहा, कायस अहमद तो बॉल एंड है, ये है ये है ये ले लो। तो यहाँ पे कभी क्रेडिट की दिक्कत आएगी नहीं, 25 क्रेडिट अभी बचे हुए हैं, तो आप यहाँ पे फटाफट ले सकते हो और आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ऐसे करके सेव कर लो, सबसे बढ़िया ऐसे 5 बॉलर के साथ खेलना तो खेलो, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि लोगों को आदत सबको पड़ी है 11 11 प्लेयर बनाने की। तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको इसका। अगर इस ऐप में नए अगर आप फिर अब आपको इसका रेफर कोड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक बोनस की विड्रॉ की गारंटी मिल जाती है। ऊपर से आपको इस ऐप में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका तुरंत सॉल्यूशन करवा दूंगा। रेफर कोड के थ्रू आप मेरी लिस्ट में आ जाओगे, अगर यूट्यूबर के थ्रू जाते हो तो वो ऐप में सेफ रहता है सब कुछ, आपका एक पैसा भी इधर से उधर कोई रिस्क नहीं रहता। तो ये इंपॉर्टेंस होती है रेफर कोड डालने की, जिसमें आपको पैसा सेव रहता है, और यूट्यूबर के थ्रू जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो मेरा रेफर कोड ही आपको लिंक पर मिल जाएगा नीचे कमेंट में, या टेलीग्राम पे डाल मेरे पढ़ाओ टेलीग्राम पे मिल रहेगा। यहाँ पे इसका रेफर कोड है SARVUT50, दोबारा डालता हूँ, ये थोड़ा आगे हो गया, SARVUT50। पैसे खेल बचाओ, यहाँ पे खेलो, सबसे बेस्ट साइट है ऐसे यार भी, इसका मिल जाएगा आपको। और एक और ऐप बताता हूँ अभी, रुको आप, और ये ऐप आई है दूसरी माय बैट बॉल 11, ये बहुत अच्छा ऐप है। मेरा 70% इन्वेस्टमेंट रहता है माई 511 पे, जैसे मैं 10,000 रुपये हर मैच में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा 70% रहता है, मतलब 7,000 तक रहेगा माई 511 में, और 10-15% यहाँ रहेगा, और 20-25% ऐसी लगा लो मेरा लकी 11 पर रहेगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट करके चलता हूँ मैं और प्रॉफिट में रहता हूँ एक ऐप में। तो ये देख लो यहाँ पे पता लगा सकते हो कि आपको अपोनेंट मिल जाता है, कौन सी टीम मतलब पिच के बारे में, कौन सी टीम कितना मैच जीती है, एवरेज स्कोर कितना है। तो ये माई बैट बॉल 11 की सबसे खास बात है, और यहाँ पर एंट्री फीस सबसे कम है, इस बात का फायदा उठा सकते हो। रेफर कोड इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा या कमेंट मिल जाएगा। तो एक और ऐप बताता हूँ आपको, इसके इस ऐप का नाम है लकी 11। इस पर तो सबसे कम कॉम्पिटिशन, मतलब लोग दिखेंगे नहीं आपको, आपको बहुत पहले लीग ज्वाइन करनी पड़ेगी, वो भी बहुत लेट फील होती है, तो बहुत कम लोग खेलते हैं यहाँ पे। तो आप फटाफट जाके इस ऐप को ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी ऐप है ये, मतलब एक बार खेल के देखो जरूर। उसका रेफर कोड आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम वगैरह में, उसका वैसे रेफर कोड आपको बता देता हूँ क्या है, BISHT7370। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये लकी 11 ऐप का लिंक है, ये रेफर कोड है BISHT7370। जौन सा ऐप हो उसी में वही रेफर कोड डालना, नहीं तो आपको ना विड्रॉ गारंटी मिलेगी ना बोनस मिलेगा। प्लस ये देख लो,
ये है बैट बॉल इलेवन का BB11A012448, और ये है माई फाइव इलेवन का लिंक और रेफर कोड, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मस्त ऐप है, सबसे बेस्ट, SARVUT50। तो आपको बोनस मिल जाएगा आपको 50,000 रुपये का जो भी है, और आपको रेफर कोड से हमारा गारंटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत ऐप में आएगी नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना रेड बटन दबा के और बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो का, जय दोस्तों, जय हिंद।